हाय दोस्तों, मैं मंगल प्रसाद निषाद, आपका हमारे यूट्यूब चैनल MPN ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ताप और उष्मा के बारे में। जी हाँ, क्या होता है ताप और क्या होता है उष्मा। कुछ लोग होते हैं जो ताप और उष्मा को एक ही समझ लेते हैं। हम उनको बता दें कि ताप अलग है और उष्मा जो है वह अलग है। तो चलिए हम बात करेंगे ताप और उष्मा के बारे में, टेम्परेचर एंड हीट। जी हाँ, टेम्परेचर और हीट क्या होती है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। तो एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम आगे चलते हैं बात करने। ताप क्या होता है? किसी वस्तु का, जी हाँ, किसी वस्तु का ताप जो है उसकी हार्डनेस या ठंडेपन का, कोल्डनेस का मापक होता है। जी हाँ, ताप जो होता है साथियों, किसी वस्तु का उसकी हार्डनेस और ठंडेपन का वह जो है मापक होता है। कोई वस्तु है वह कितनी ठंडी है और कितना गर्म है वह जो है मापता है कौन? ताप। फिर से एक बार देख लें, किसी वस्तु का ताप जो है उसकी हार्डनेस या ठंडेपन का मापक होता है। जी हाँ, किसी भी वस्तु का जो ताप है उसकी हार्डनेस और ठंडेपन का मापक होता है। तो चलिए हम आगे और बात करते हैं, आपको पूरा एकदम अच्छे से पता चल जाएगा कि ताप होता क्या है और मापक क्या। तो साथियों, आपको ये उदाहरण जो था ये तो सिंपल सी एक परिभाषा थी। आगे हम बात करते हैं टेक्निकल के रूप में परिभाषा जो है क्या होती है। तो साथियों, किसी भी पदार्थ का, जी हाँ, आपका कोई ये एक पदार्थ हो गया, इसमें सभी मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं। तो आप जानते हैं जब किसी पदार्थ में तापमान कब बढ़ता है? जब इस पदार्थ के मॉलिक्यूल में गति जुड़ आ जाती है। जी हाँ, जब ये गति अर्थात यहाँ पे गति करने लगते हैं, काइनेटिक एनर्जी हो जाती है मॉलिक्यूल के पास, तो क्या करता है, जब ये कंपन करते हैं तो इसमें गति ऊर्जा के कारण उस तापमान जो है वह उत्पन्न हो जाता है। तो मॉलिक्यूल्स के अलग अलग जो है तापमान होते हैं, तो इसी के कारण इसमें जो है वह टेम्परेचर आ जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में। किसी भी पदार्थ के अणुओं की औसतम गति ऊर्जा, जी हाँ, किसी भी पदार्थ के अणुओं के औसतम गति ऊर्जा, जैसे हम बताएं कि यहाँ जितने भी अणु हैं इन सब की जो गति ऊर्जा, जो औसतम गति ऊर्जा है, उसी को हम संपूर्ण एनर्जी को हम तापमान कहते हैं। जी हाँ, किसी भी पदार्थ के अणुओं के औसतम गति ऊर्जा, जी हाँ, जितने भी मॉलिक्यूल्स हम बताए सभी के औसतम गति ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं? तापमान या टेम्परेचर कहते हैं। आगे चलिए हम बात करते हैं संपूर्ण पदार्थ की गतिज ऊर्जा। संपूर्ण पदार्थ की, जैसे हम आपको पदार्थ बताए, इस पूरे पदार्थ की जो संपूर्ण गतिज ऊर्जा है वह पदार्थ की उष्मीय ऊर्जा कहलाती है। जी हाँ साथियों, जो संपूर्ण पदार्थ की गतिज ऊर्जा होती है वह पदार्थ की उष्मीय ऊर्जा अर्थात थर्मल एनर्जी कहलाती है। तो आगे हम बात करते हैं ताप के बारे में। ताप, जी हाँ, टेम्परेचर जो होता है वह एक वस्तु से दूसरी वस्तु में उष्मीय ऊर्जा के प्रवाह की दिशा को निश्चित करता है। जी हाँ, ताप जो है साथियों वह एक वस्तु से दूसरे वस्तु में उष्मीय ऊर्जा की प्रवाह की दिशा को निश्चित करता है। सपोज हम मान लें कि जैसे इसका, इस वस्तु का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और इस वस्तु का जो है वह 20 है। तो जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि ताप जो है वह उच्च दर वाली वस्तु से निम्न दर वाली वस्तु की तरफ प्रवाहित होती है। तो आगे चलिए हम बात करते हैं ताप जो है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में उष्मीय ऊर्जा के प्रवाह की दिशा को निश्चित करता है, अर्थात जिस कारण से ऊर्जा स्थानांतरण होती है उसे ताप कहते हैं। जी हाँ, जिसके कारण से ऊष्मा जो है, जो ऊर्जा स्थानांतरण होती है,
एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरण होती है उसे हम क्या कहते हैं, ताप कहते हैं। आगे चलिए हम बात करते हैं, उष्मीय ऊर्जा सदैव, उष्मीय ऊर्जा जो है वह सदैव उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु में जाता है। जी हाँ, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि उष्मीय जो ऊर्जा होती है वह सदैव उच्च ताप वाली वस्तु से, जैसे इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका 20 है, तो हमेशा उच्च वस्तु इसका जो टेम्परेचर है वह 30 है और इस वस्तु का टेम्परेचर जो है वह 20 है, तो सीधी बात है कि उष्मा जो है 30 टेम्परेचर वाली वस्तु से 20 डिग्री सेंटीग्रेड की जो टेम्परेचर की वस्तु है उस तरफ प्रवाहित होगी। तो चलिए हम अब आगे बात करते हैं उष्मा के बारे में। जी हाँ, अभी हम जितने भी टॉपिक, जितने भी बिंदु पर बात किए वो तो टेम्परेचर के पे था, अब हम बात करेंगे कि उष्मा क्या होती है। आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहें और कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उष्मा, जी हाँ, हीट क्या होती है, यह जो है उष्मा ऊर्जा का एक रूप है। जी हाँ, उष्मा जो है वह ऊर्जा का एक रूप है जो दो वस्तुओं के बीच उनके तापांतर टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित या ट्रांसफर होती है। जी हाँ, उष्मा जो है एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है जो दो वस्तु के तापांतर के कारण, जैसे अभी हम बात किए कि जब दो वस्तु में ताप में जब अंतर होता है तो उष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में प्रवाहित होती है, कब, जब ताप में अंतर होता है, और जो अंतर होता है और जो उष्मा प्रवाहित होती है एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तरफ उसी को हम उष्मा कहते हैं। जो टेम्परेचर एक वस्तु टेम्परेचर के कारण, जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में उष्मा प्रवाहित होती है या स्थानांतरित होती है उसे हम उष्मा कहते हैं। अब आगे हम बात करते हैं स्थानांतरण अर्थात ट्रांसफर के समय ही ऊर्जा एनर्जी जो होती है वह उष्मा कहलाती है। जी हाँ, जब स्थानांतरण के समय जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ऊर्जा ट्रांसफर होती है तो इसी स्थानांतरण के समय जो ताप होता है, जो ऊर्जा होती है इस ट्रांसफर के समय जो ऊर्जा होती है हम उसे ही उष्मा कहलाते हैं या हम उसे ही उष्मा कहते हैं। आगे हम चलिए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में, तो आप इसको नोट्स के रूप में बना लें और अगर आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन हो तो हम लगभग आगे आने वाली अगली वीडियो में हम पूरा चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण जो प्रश्न है हम उनको भी चर्चा करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको लगे कि आपके दोस्तों को हेल्प मिले तो आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। तो चलिए अब हम कुछ नोट अर्थात बिंदु के बारे में बात करते हैं। तापमापी अर्थात जिससे हम ताप को मापते हैं थर्मामीटर उसे कहते हैं, ताप मापने वाले यंत्र को तापमापी कहते हैं। जी हाँ, तापमापी किसे कहते हैं, थर्मामीटर को, ताप मापने वाले यंत्र को हम तापमापी कहते हैं। अब हम आगे बात करेंगे उष्मा का जो एस आई मात्रक होता है वह जूल होता है। जी हाँ, जो उष्मा का एस आई मात्रक होता है वह जूल होता है और सी जी एस में जो मात्रक होता है वह कैलोरी होता है। जी हाँ, जो उष्मा का एसआई में मात्रक है वह जूल है और जो सीजीएस में मात्रक है वह कैलोरी है। आगे हम बात करेंगे कि जूल ने बताया, जी हाँ, महान साइंटिस्ट जूल जो थे उन्होंने बताया कि जब कभी कार्य उष्मा में बदलना है या जब कभी कार्य उष्मा में बदलता है या उष्मा जो है कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य, जब कभी वस्तु जो है, जब कभी किसी वस्तु का कार्य जो है उष्मा में बदलता है या किसी वस्तु की उष्मा जो है वह कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य जो है और उत्पन्न उष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है। जी हाँ, जब किसी वस्तु का कार्य जो है उष्मा में बदले या उष्मा जो है कार्य में बदले तो जो किया गया कार्य होगा या उत्पन्न उष्मा का जो अनुपात होगा वह एक स्थिरांक होगा। आगे हैं जिसे उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, जी हाँ, जिसे हम उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक अर्थात मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट
कहते हैं। जी हाँ, यांत्रिक तुल्यांक किसे कहते हैं? यांत्रिक तुल्यांक जो है किए गए कार्य व उसमें उत्पन्न ऊष्मा का जो अनुपात है, हम उसे यांत्रिक। आगे हम बात करते हैं मैकेनिकल, तथा इसको जे से सूचित करते हैं। जी हाँ, इसको जो है हम जे से सूचित करते हैं। यदि यांत्रिक तुल्यांक को हम जो है जे से डिनोट करते हैं, यदि W जो है कार्य करने से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा Q है, तो जी हाँ, यदि कार्य करने से उत्पन्न जो ऊष्मा की मात्रा अगर Q है तो क्या होगा? W अपान Q। जी हाँ, W जो है वह कार्य करने की उत्पन्न ऊष्मा है, कार्य करने में जो उत्पन्न ऊष्मा है वो W है, और बटे में Q है जो कि ऊष्मा का अनुपात है। जी हाँ, अभी हम बात किए कि जो कार्य होता है और कार्य के समय जो उत्पन्न ऊष्मा होती है और जो अनुपात होता है, अर्थात जो ऊष्मा होती है उसी को हम जूल से डिनोट करते हैं। लिखते हैं कि Q बराबर W अपान Q बराबर J। अब हम आगे बात करेंगे, जहाँ J का मान 4146 जूल किलो कैलोरी है। जी हाँ, जे का मान जो है वह 4186 जूल किलो कैलोरी है, अर्थात अगर हम उसे कैलोरी में बदलेंगे तो 4.186 जूल प्रति कैलोरी, या 4.186 गुणे 10^7 अर्घ प्रति कैलोरी होता है। तो साथियों, कैलोरी जो है यह भी एक इकाई है जो कि, और अर्घ जो है साथियों यह कार्य की इकाई है, और कैलोरी जो है वह आपके ऊष्मा, जो ऊष्मा है उसकी इकाई है। तो हम आगे बात करते हैं, इसका तात्पर्य हुआ कि यदि 4186 जूल का यांत्रिक कार्य किया जाए, जी हाँ, 4186 जूल का यदि यांत्रिक कार्य किया जाए, तो जो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा होगी वह 1 किलो कैलोरी होगी। जी हाँ साथियों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तो साथियों, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ें। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।